हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो देखे मेरे हस्बैंड गए हैं महाबलेश्वर, तो ये टनल का उन्होंने वीडियो निकाले थे, तो मैं सोची मैं भी आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको मैंने बोली थी कि आप लोग कहाँ भी जाएंगे तो प्लीज़ मुझे शेयर करना वीडियो, तो मैं वीडियो बनाना तो मैं अपने ब्लॉग में डालूँगी। तो ये देखिए इतना अच्छा टनल, ये नया बनाया टनल, अभी अभी शुरू हुआ, तो इसमें से वो लोग गए थे महाबलेश्वर। तो देख सकते हैं आप लोग, ये है महाबलेश्वर में जाते वक्त उन लोगों ने ये भी इसका भी शूट किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से शेयर करती। तो वो लोग गए हैं अपना अलग और मैं आई हूँ मेरी बहन के घर में, क्योंकि उन लोग के रहते हुए मुझे जाने नहीं मिलता है। तो ये देखिए रत्नागिरी है, ये सब उन्होंने, और ये ना नदी में कहते हैं हमारे गाँव की, गाँव गए थे ना वहाँ से, उन लोग गाँव गए थे, तो ये गाँव की नदी है। इसमें ना वो सील होती है ना जो पानी में होती है ब्लैक कलर की, वो उन लोगों को दिखी थी, तो वो बोल रहे थे, लेकिन बट मैंने उनकी आवाज़ हटा के अपनी आवाज़ डाली ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पता नहीं ये बहुत नदी तो वो देखिए आप देख सकते, देखिए ये जो ब्लैक कलर की सील बोलते हैं ना इसको, सील वो है, सील एनिमल्स जो होते हैं ना वो है ये। तो इतने सारे इसका झुंड था उन लोगों ने, मतलब बहुत दूर थे ये, बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारा इसका झुंड है। तो अंदर तो जाके फ़ोटो लेने से फिर, बट उन्होंने बहुत दूर से लिए, से सही से आया नहीं है। तो फर्स्ट टाइम ये नदी में हम लोग देखे, हमेशा जाते हैं बट कभी देखे नहीं, ये फर्स्ट टाइम देखे। अभी हम लोग जंगल में रुके हैं और जंगल के अंदर है ना, तुम्हारे को दिखा तो एक सबसे बड़ी चीज़, तुम आजू बाजू, मैं मोबाइल का टॉर्च चालू रखा, ये मेरी गाड़ी है और मेरा बेटा राफिद भी उसमें बैठा हुआ है, ये राइड है। और आजू बाजू कुछ भी नहीं, पूरा जंगल है, लेकिन उस जंगल के अंदर भी कुछ लोग कैंप बना के अपना कैसे रहते वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज जंगल में रात को 12:30 बजे और हम लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं, जंगल के अंदर देखिए लोग, भाई एक दो मैडम कोई बात नहीं, लेट आओ वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे गांव के लोग कैसा सेफ्टी से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास एकदम आराम से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत माशाल्लाह बच्चे लोग भी हैं सब छोटे छोटे, और बहुत अच्छे से रहते हैं, इनको कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, ना जानवर का ना किसी का, सिर्फ ऊपर वाला। वेरी गुड। आपको निकला हूँ शिकार पे, बहुत ही बारिश हुई हल्की हल्की, एक्चुअली ईद के बाद मैं तीसरे दिन निकला था गांव के लिए, और गांव में आने के बाद पता चला कि बारिश चालू हो गई है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो गया है, लेकिन अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको क्योंकि रात को 2 बज रहे और मैं जा रहा हूँ जंगल के अंदर। एक्चुअली मेरे को जानवरों से बहुत प्यार है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि जानवर है कि नहीं, अभी भी है कि नहीं, ख़त्म हो गए जंगल से। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बारिश गिरने के बाद जो पहली बारिश गिरती है ना मिट्टी पे, और उसकी जो खुशबू आती है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है उसकी, बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को। और मैं भी जा रहा हूँ जंगल के अंदर, यहाँ से मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ से 12 किलोमीटर है वो, जहाँ पे एक छोटा सा डैम है पानी पीने के लिए उन लोग को, जानवरों का बनाया गया है, तो वो वहाँ पर आके वो लोग पानी पीते हैं, कोई भी जानवर हो, शेर हो, हिरन हो, खरगोश हो, सभी जानवर उस जगह आके पानी पीते हैं। तो मैं अभी उसी जगह जा रहा हूँ, रात को 2 बज गए, 3:30-4 बजे के टाइम तक मैं वहीं रहूँगा, और मेरे को कुछ ना मैं शायद आपको वीडियो दिखा सकूँगा ज़रूर, बहुत ही मज़ा आएगा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कोई ना कोई जानवर आज रात को ज़रूर दिखाऊँगा। पहले तो आप ये जंगल देखिए कितना खतरनाक है, मैं अभी आपको एक सीन दिखाता हूँ, मैं अभी ये जंगल में चल रहा हूँ, अभी चलते चलते मैं अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दूंगा, ये लो कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैक आउट, और अचानक से लाइट चालू करने के बाद ये देखो अभी लाइट बंद कर रहा हूँ मैं, ये पूरा हाईवे है, ये मैंने लाइट बंद किया, खत्म, कुछ भी नहीं दिखे, अभी लाइट चालू, तो ये पूरा अंधेरे में आपको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ ना कुछ जानवर जरूर दिखाऊंगा आपको,